यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 6 का पार्ट 6 है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम और यह पार्ट 6 है, तो इसके पहले के पार्ट्स को भी आप जरूर पढ़ लें। तो शुरुआत से हम लोगों ने शुरू किया पोषण, और पोषण में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन होता है, और पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है। तो यदि हम लोग शुरू से यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को लेते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि पाचन में किस प्रकार से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ पर जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, इनसे इनके पचने के बाद अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और ये कैसे बनता है, पाचन के बाद बनता है। इसके बाद प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल भी आप लिख सकते हैं, और इससे क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो आप वीडियो को 1.5x फास्ट मोड में देखिए तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ये कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि पाचन कहां होता है, पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, फिर छोटी आंत में यानी कि क्षुद्रांत में इसको अवशोषण किया जाता है। तो किसको अवशोषित किया जाता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, और उसको हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या बोले रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। तो जब ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, यानी कि कहें उत्तक तक पहुंचता है और सेल्स तक पहुंचता है, तो उसके बाद ये सारे जो चीज हैं वो अंत में किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह आपको थोड़ा समझना चाहिए कि ये अलग अलग पाथवे के द्वारा, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा फिर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यह तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज तो खुद ही ग्लूकोज है, और यहां पर अमीनो एसिड साथ ही साथ फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल आवश्यकता अनुसार ये भी ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूर्ण रूप से जितने हैं सारे के सारे ग्लूकोज में ही परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगे, और उसके बाद यह जो ग्लूकोज है उसका कोशिका में इसका क्या होगा, इसका विखंडन होगा, इसका क्या होगा, विखंडन, और उसके विखंडन के बाद हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो आपने देखा ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल चीजों को खाते हैं, उसके बाद जब भोजन पचता है तो ये सारी चीजें बनती हैं, और ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो जब आपको ऊर्जा की जरूरत है तो यहां पर आप देख सकते हैं वसा से भी अलग अलग पाथवे या अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज ही बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यह समझना चाहिए कि ये अमीनो एसिड या फिर फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल पूर्ण रूप से ग्लूकोज बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ परसेंट उसका क्या बन सकता है, ग्लूकोज बन सकता है आपको जब ऊर्जा का आवश्यकता होगा तब। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ग्लूकोज ही बनता है, इसका मतलब यह जो ग्लूकोज है यह ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। जैसे कि आपने ग्लूकोन डी पिया है, तो ग्लूकोन डी आप जैसे ही पीते हैं आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। लेकिन क्या आप घी तेल खाकर तुरंत एनर्जी महसूस कर सकते हैं, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यदि आपने ग्लूकोन डी पिया है तो ग्लूकोन डी में आपको ग्लूकोज आप पीते हैं, क्या पीते हैं, ग्लूकोज को पीते हैं, तो ग्लूकोज कहां जाएगा, कोशिका में जाएगा, कोशिका में तुरंत विखंडित हो जाएगा, और विखंडित होकर क्या देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन यदि आप तेल घी पीकर सोचते हैं कि हमको तुरंत एनर्जी आ जाए, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका पाचन होगा, पाचन में बहुत टाइम लगेगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद वह फिर ग्लूकोज में बदल सकता है, फिर ग्लूकोज में बदलने के बाद उसमें वह कोशिका में जाएगा, वहां विखंडन होगा, फिर क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा। तो यही बात है कि जब आपको कभी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आप क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाकर तेल और घी खाना शुरू कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि ग्लूकोज है वह मुख्य सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का
कोशिका में जब विखंडन होता है और विखंडन होने के बाद ऊर्जा मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो यहां पर यही चीज हम लोग को पढ़ना है, यह जो श्वसन है इसको स्पेशल नाम दे सकते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन, क्योंकि यह कहां पर हो रहा है, कोशिका में हो रहा है। तो ग्लूकोज का कोशिका के अंदर में विखंडन होना और विखंडन के बाद ऊर्जा का मिलना ही क्या होता है, श्वसन होता है, या फिर बोलेंगे कोशिकीय श्वसन होता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को कोशिका के बारे में जान लेना चाहिए। तो कोशिका में दो तीन चीज आप लोगों को समझ लेना है। ये है यदि कोशिका, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक, और यहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग ऊर्जा का गृह यानी कि घर भी कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर आप देख सकते हैं इसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि ग्लूकोज को तोड़ना और तोड़ने के बाद ऊर्जा का निकलना, यही है कोशिकीय श्वसन। तो यहां आप देख सकते हैं यही है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12 और O6 होता है, मतलब यहां पर 6 कार्बन होते हैं। तो यही ग्लूकोज आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से यहां पर टूट रहा है और टूट के ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। तो उसी को आपको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एकदम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप इसको क्या करना है, एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इसको कैसे कैसे ग्लूकोज से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स बनाए गए हैं, तो तीनों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है ग्लूकोज। ग्लूकोज बन चुका है, मैंने बता दिया ग्लूकोज कैसे बनेगा। अब ग्लूकोज जब बन गया तो ग्लूकोज कहां पहुंच गया, वह पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव में। देखिए यहां से ग्लूकोज कहां पहुंच गया, कोशिका द्रव, ये जो द्रव इसमें भरा होता है कोशिका में, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में बहुत प्रकार से इसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी और उसके बाद ग्लूकोज से बन जाएगा पाइरूवेट, और इसको हम लोग पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं, पाइरूविक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो ये पहला स्टेप आपको याद करना है, ग्लूकोज से क्या बन गया, पाइरूवेट बन गया। कहां पर बन गया, तो वह कोशिका द्रव में बना। एक खास बात यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि ग्लूकोज से पाइरूवेट जब बनता है तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने यहां से यहां तक समझ लिया ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूवेट। पाइरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और यह कहां हो रहा है, कोशिका द्रव में, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होगा, यदि हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तब भी होगा, मनुष्य की बात करें तब भी होगा, प्लांट की बात करें तब भी होगा, यानी कि सब में ऐसे ही यहां पहला स्टेप आपका होगा। अब यहां जब पहला स्टेप हो गया, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि यहां तीन तरीके से ये आगे टूट सकता है। तो तीन तरीका क्या है, ये देख सकते हैं। पहला तरीका में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों तक जा रहा है और उसके बाद वह ब्लड के द्वारा यानी कि रुधिर के द्वारा या रक्त के द्वारा हमारे सेल में पहुंच रहा है। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपस्थित होगा तो यह जो पाइरूवेट है वह किस चीज में टूटेगा, CO2 में और H2O में, और हमको भरपूर ऊर्जा यहां पर मिलता है। यह आपने समझ लिया। तो यहां से हम लोग को यह समझना था कि यहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपस्थित है और इससे हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है। तो अब आपने समझ लिया कि कैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हम लोगों को ऊर्जा मिल सकती है, तो इसका उत्तर है नहीं, ऊर्जा हम लोगों को नहीं मिल सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि यहां पर ऊर्जा का अभाव में कैसे श्वसन होगा और कैसे हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो यदि आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो एक एक स्टेप आप समझिए। आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। और एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए तो एनर्जी आपको मुख्य रूप से कहां से मिलता है, यहां से मिलता है। लेकिन यदि आपको एनर्जी उस टाइम में ज्यादा चाहिए तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर
और एनर्जी जनरेट करना चाहता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन तो जितना आप ले रहे हैं उतना ही होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा नहीं, और उस टाइम में आपको एनर्जी और ज्यादा चाहिए। या फिर आप दौड़ नहीं रहे, मान लीजिए आप लड़ाई कर रहे हैं किसी से, तो आपको उस टाइम में एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर इस प्रकार से भी एनर्जी को जेनरेट करना बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसे तो एनर्जी बन ही रहा है शरीर को, लेकिन शरीर को और एनर्जी चाहिए, हमारे मसल्स को और एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए ये हमारा जो शरीर है यह प्रक्रिया आरंभ कर देगा। तो इस प्रक्रिया में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और क्या मिलेगा, ऊर्जा। तो आपको ऊर्जा मिल जा रहा है वहां पर, अब आपने समझ लिया। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि ऑक्सीजन का अभाव होगा, मतलब यहां ऑक्सीजन के एब्सेंस में यह प्रक्रिया होता है, मतलब यहां ऑक्सीजन का जरूरी नहीं होता है। ऑक्सीजन जितना आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, वह ये प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा दे रहा है, और शरीर ज्यादा आपको ऊर्जा चाहिए इसलिए ऐसे भी आपको ऊर्जा देना शुरू कर देता है। तो आपको देखिए दो दो प्रकार से एनर्जी उस टाइम में मिलना शुरू हो गया, ऊर्जा मिलना शुरू हो गया। पहले तो ऐसे ऊर्जा मिल ही रहा था, साथ ही साथ शरीर ने आपको ऐसा ऊर्जा देना भी शुरू किया। तो बताइए आपको उस टाइम में ज्यादा ऊर्जा मिलना शुरू हो गया, तो आप आसानी से वहां पर लड़ाई कर सकेंगे। लेकिन इसका एक हानि भी है, हानि यह है कि यदि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा तो आपको क्रैम्प आ सकता है, या आपके बुक में लिखा हुआ है। तो यदि लैक्टिक एसिड ज्यादा आएगा तो मसल क्रैम्प हो सकता है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकता है, ये आप लिख देंगे। अब आगे हमारा तीसरा यह है कि यदि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बिना ऑक्सीजन के ही वहां श्वसन हो जाता है, जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट में आप देखेंगे कि वहां पर बिना ऑक्सीजन के ही वहां पर श्वसन होता है, उन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर यदि आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे श्वसन हो रहा है, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरूवेट, और पाइरूवेट से यहां पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहेगा, उससे बन जाएगा इथेनॉल, CO2, और ऊर्जा निर्माण होगा। एक खास बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो दोनों चीज हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, लेकिन यहां पर ये वाला जो चीज होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मनुष्यों में जो श्वसन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब कि यहां पर आपको ऊर्जा मिल रहा है, तो यहां पर जो ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, तो साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव में, और पाइरूवेट से CO2H2 और ऊर्जा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। अब आपने समझ लिया, ये वाला समझ लिया। यदि मैं बोलूं कि जब मनुष्य कोई विपरीत परिस्थिति में हो, या फिर कोई मान लीजिए आप बहुत सारा साइकिलिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम में मसल में यानी कि मांसपेशियों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, तो ऐसे होता है। फिर मैं पूछूं कि क्या मांसपेशी में उस टाइम में जब बहुत ज्यादा आपको ऊर्जा की जरूरी है तो वहां पर जब श्वसन होगा तो ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको आंसर करना है कि नहीं, वहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो क्या बनेगा, तो आपको उत्तर देना है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगा। तो इसके बाद यहां पर ये ऊर्जा है वह इससे ज्यादा होगा या कम होगा, तो कम ऊर्जा होगा। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही यहां क्या हो सकता है, इनमें श्वसन हो सकता है। जैसे ईस्ट का मैंने उदाहरण दिया, तो पूछा जाए कि ईस्ट में कैसे श्वसन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो यहां पर आपको दो चीज समझना है, एक होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन और एक होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन। तो जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे वायवीय श्वसन, यानी कि ये वाला क्या हो गया, वायवीय श्वसन। लेकिन ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं।
अब देख सकते हैं श्वसन दो प्रकार का होगा, एक होगा वायवीय श्वसन, एक क्या होगा अवायवीय श्वसन। तो यहां पर सबसे पहला जो डिफरेंस आप लिख सकते हैं, यहां पर O2 प्रेजेंट होगा और यहां पर O2 क्या होगा, यहां पर O2 क्या होगा आपका एब्सेंट होगा, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। दूसरा आप देखेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहां पर यह कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाएगा, कोशिका द्रव में ही पूर्ण रूप से यह संपन्न हो जाएगा। तीसरा आप देख सकते हैं कि यह जब हो रहा था तो क्या बन रहा था, CO2 बन रहा था प्लस H2O बन रहा था और भरपूर मात्रा में ऊर्जा यहां पर निकल रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड या अम्ल उसको लिख सकते हैं, लैक्टिक अम्ल बनेगा, या फिर आपने ईस्ट में देखा था कि वहां पर इथेनॉल बन रहा था, इथेनॉल और क्या बन रहा था CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहां ऊर्जा होता है वह कम मात्रा में निकलता है, यह भी आपने देखा। अब यहां पर यदि हम लोग, ये तीसरा पॉइंट था, चौथे पॉइंट में आ जाएंगे तो इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, उसमें वायवीय श्वसन हो सकता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हम लोग देखेंगे ईस्ट में कैसा श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। एक खास बात जो कि मैं आपको यहां बार बार बताना भूल जा रहा हूं वह है ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होता है वह एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा निकल रहा है वह किस रूप में मुक्त हो रहा है, एटीपी के रूप में मुक्त हो रहा है, और यही ऊर्जा हमारा जो शरीर है, हमारा जो कोशिका है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में लाता है, और जो हमारा शरीर है वह सही रूप से चल पाता है। तो ये था श्वसन। तो श्वसन में जो हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ा कि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है उसके लिए हमारे शरीर में, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो हम लोग अपने शरीर में ऑक्सीजन के डिमांड को, ऑक्सीजन की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं, उसको हम लोग श्वसन तंत्र के द्वारा पूरा करते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, फिर आगे जाता है, फिर फुफ्फुस तक जाता है, और उसके बाद पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, फिर ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगा, सेल में पहुंच जाएगा। तो आपने कुल मिला के देखा कि जो सेल है या कोशिका है वहां ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए और साथ ही साथ ग्लूकोज भी पहुंचना चाहिए, तभी यहां पर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और हम लोगों को भरपूर ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलेगा। तो हम लोगों को अब जो नया टॉपिक पढ़ना है वह है श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। तो वह हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।